अस्सलाम वालेकुम दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। पंजाब की जेलों में पीटीआई की ख्वातीन के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें और जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि 50% आबादी को सियासत से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। ये इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, और दूसरी तरफ राणा सनाउल्ला साहब ने भी रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीटीआई ने एक मंसूबा बनाया है, हमारी एजेंसियों ने कुछ खुफिया तौर पर मालूमात हासिल की हैं, कुछ लोगों की जो गुफ्तगू है वो पकड़ी है, जिसके अंदर वो मंसूबा बनाया जा रहा था कि किसी घर में डकैती होगी पीटीआई के रहनुमा पे, वहाँ पे कत्लो गारत होगा और शायद रेप भी किया जाए किसी का, और इसका इल्ज़ाम इदारों के ऊपर लगाया जाए, पुलिस के ऊपर लगाया जाए और हुकूमत को बदनाम किया जाए। राणा सनाउल्ला साहब के इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है और इमरान खान साहब के इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को ऐसी खबरें कहाँ से मिलती हैं, उनका सोर्स क्या है। ये एक ऐसी, मैं जितना मैं समझता हूँ कि ख्वातीन अगर जेलों के अंदर गई हैं, उनमें बहुत सारी ख्वातीन को तो हमने देखा है, वीडियोज़ के अंदर देखा है कि वो इश्ताल दिला रही हैं, कुछ तो कह रही हैं कि हमें GHQ की तरफ जाना चाहिए, कोई कोर कमांडर के घर की तरफ जाने की तलकीन करिए, कोई वहाँ अंदर जाके तोड़ फोड़ का कह रहे हैं। जो कानून होता है ना वो सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे भले ख्वातीन हो, भले मर्द हो, बूढ़ा हो, हाँ बच्चों को थोड़ी बहुत जो है ना हमारे कानून के अंदर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको स्पेस दी गई है, उनको कुछ छूट दी गई है, मगर बाकी जो बालिग लोग हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है। उनके लिए वो जो मुजरम है वो मुजरम है, जो मुलजिम है वो मुलजिम है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई मर्डर करता है तो दोनों को इक्वल सज़ा मिलती है। ख्वातीन का ये नुक्ता बीच में नहीं लाना चाहिए इस तरह से, खान साहब को भी और राणा सनाउल्ला साहब को भी। अगर पीटीआई ने कोई मंसूबा बनाया ऐसा तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर राणा सनाउल्ला साहब झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं तो उसकी भी सज़ा होनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी ख्वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है जेलों के अंदर, तो उनकी भी सज़ा होनी चाहिए। अगर जो अगर हो रहा है, अगर खान साहब झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं तो इसकी भी पकड़ होनी चाहिए। इन चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं वैसे देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती हैं, कुछ ख्वातीन की तस्वीरें चल रही हैं, खातून को मैंने तस्वीर देखी, वो तस्वीर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ हुआ है, तो वो तस्वीर बहुत पुरानी है, वो शायद किसी, कोई कहता है ईरानी लड़की की है, कोई कहता है किसी पश्तून लड़की की है, अफगानिस्तान वगैरह की है, मगर वो हमारी पंजाब की जेलों की, वो ताज़ा नहीं है, वो पंजाब की जेलों की तस्वीरें, और जेलों से ऐसी तस्वीर बन के आती नहीं है और इसको वायरल नहीं किया जाता। जो उमर अयूब साहब की तस्वीरें चल रही हैं ये भी पुरानी हैं। उमर अयूब साहब तो इस दफ़ा गिरफ्तार ही नहीं हुए, जब वो गिरफ्तार नहीं हुए तो उनके ऊपर तशद्दुद कैसे हो गया, वो तस्वीरें कैसे लीक होगी। जेल इतनी आसान जगह नहीं होती कि जहाँ पे आराम से कैमरे ले जाएं, तस्वीरें बन जाएं, बहुत सेंसिटिव हो गया। जब से मीडिया बहुत ज़्यादा हुआ है, जब से मोबाइल के अंदर कैमरा आया, तो वो मोबाइल तो अंदर ले जाने नहीं देते। और दूसरा ये है कि ख्वातीन की साइड ही, बैकें ही डिफरेंट होती हैं, वहाँ पर ख्वातीन को ख्वातीन ही डील करती हैं, वहाँ मर्द डील नहीं करते हैं, वहाँ ख्वातीन को जो उनके पहरे के ऊपर भी ख्वातीन खड़ी होती हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि वहाँ उनके साथ कोई जुल्म हो, ज्यादती हो, नारवा सलूक हो। बिल्कुल रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो रूटीन में होता है वो तो होता ही है, वो तो हर जगह होता है, मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें, और जिन बड़ी बड़ी फैमिलीज की ख्वातीन के बारे में कहा जा रहा है, इतना आसान नहीं है कि किसी के बारे में बात की जाए। और अगर हो रहा होता, इन जेलों के अंदर हो रहा होता, मैं खान साहब से भी पूछना चाहता हूँ, तो फिर ये जो फेक तस्वीरें हैं इनका सहारा क्यों लिया जा रहा है, ईरान की तस्वीरों का सहारा क्यों लिया जा रहा है। फिर ये इसी के अंदर होता है कि कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्वातीन को इस तरह प्रोपेगंडे का और उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने भी इमरान खान साहब को रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि ये झूठा प्रोपेगंडा है, उन्होंने कहा ये बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं, गुमराह कौन हैं, झूठे हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब की किसी जेल के अंदर किसी खातून के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, कोई बदसलूकी नहीं हो रही है, उनकी इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल रखा जा रहा है। ये ख्वातीन अभी अपनी पेशियों पे आएंगी, जब वो तो उसके ऊपर वहाँ पे रिपोर्टर्स होते हैं, वहाँ पे चैनल्स के कैमरे होते हैं, वहाँ पे यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपने कैमरे खोलते हैं, तो उनसे सवाल होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ऐसे हैं, अगर ऐसे होती तो ये जेलों के अंदर अगर इस तरह के काम होने लग जाएँ तो फिर रियासत कहाँ पर, फिर तो रियासत का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप भले कैदी हो, भले आप मुलजिम हो, भले आप मुजरिम हो, जब आप रियासत की कस्टडी में है ना, तो आप सबसे ज़्यादा महफूज हैं। आप शायद इतने घर में महफूज नहीं हैं, आप सड़क पे महफूज नहीं हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में महफूज नहीं हैं,
आप बाजारों में महफूज नहीं है, पार्कों में महफूज नहीं है, मगर आप अगर रियासत के पास हैं तो आप सबसे ज़्यादा महफूज हैं। अगर आपकी जान को कोई ख़तरा होता है, अगर आपके साथ बदसलूकी होती है, तो फिर आपको स्पेयर नहीं किया जा सकता। पुलिस वालों को, जेल हुकाम को, हुकूमतों को हमने इसलिए नहीं रखा हुआ कि वहाँ पर ख्वातीन आए तो उनके साथ बदसलूकी हो, वहाँ पर जो है ना मुलजिम कोई भी आए, बच्चे आएँ तो उनके साथ बदसलूकी हो, होते होंगे, वाकियात होते भी हैं, हमारे यहाँ भी सुने भी जाते हैं, मगर उनको फिर स्पेयर नहीं किया जाता। तो खुदारा ख्वातीन को अपनी इस सियासत से दूर रखें, ये हमारा सेंसिटिव पॉइंट है। खान साहब भी ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल इदारे, ह्यूमन राइट्स के इदारे वो इन चीज़ों को देखें। अगर ये इल्ज़ाम हैं तो इल्ज़ाम की सदाकत का पता चलना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है अगर इसके अंदर हकीकत है, और ये फिर उनको ये आडियो रिलीज़ करनी चाहिए, उनके पास जो एविडेंस है वो कौम को दिखाने चाहिए। ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, कौम को बताना चाहिए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, और अगर वो उसके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम और वो इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर सियासत में ख्वातीन का क्या काम है। हमें यह सोचना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।